हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किम्स की रिक्रूटमेंट के बारे में। बहुत ही सिंपल शॉर्ट वीडियो होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। 22 तारीख 22 जून को इसके फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन एंड 15 जुलाई तक चलेंगे। अपने ऑनलाइन स्किम्स की साइट पे जाके ये फॉर्म फिल करने हैं एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो रिक्रूटमेंट आपके सामने आ रही हैं आप उनके लिए पढ़िए। किसी एक को पकड़ के ना बैठ जाइए क्योंकि लाइफ बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो चुकी है। आज 14 जून है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आज सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है। करंटली तो हमें यही न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने सुसाइड की है, तो इससे पता चलता है हमारी लाइफ कितनी अनप्रडिक्टेबल हो चुकी है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने लाइफ को स्टेबल करिए, फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो मिनिमम एज आपकी 18 है यहाँ पे। अगर आप 18 साल के हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी की। 40 अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो मैक्सिमम एज है आपकी। 42 अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 42 मैक्सिमम एज है। 43 अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, RBA, EWS, PSP या सोशल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 43 आपके लिए मैक्सिमम है। एंड 48 है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है। तो मिनिमम 18 है एंड मैक्सिमम ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए, पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए दी गई है। तो ये रिक्रूटमेंट अगर आप स्किम्स के एम्प्लॉय हैं तो ये अलग से एक डेटेड नोटिफिकेशन है, वो मैं रीड कर दूंगा आपके लिए बाद में। और साथ में ये दिया गया है कि स्किम्स की साइट पे जाके आपने ये सारे फॉर्म फिलिंग करनी है एंड हाँ 15 से शुरू है, सॉरी 26 से शुरू है और ये 15 तक चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। एंड हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो ये रहा हमारा फेसबुक का पेज, आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल हैंडल है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। एंड ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। ये क्लोज ग्रुप भी है हमारा फेसबुक पे, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड हाँ, कोई भी दिक्कत है तो हम 500 टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। हम जैसा कि आप जानते हैं हम JK बैंक का कोर्स शुरू कर चुके हैं जो कि हम आपको कंप्लीट करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपीज़ में। एक भी रुपये हम चार्ज नहीं कर रहे हैं इसके लिए। और उसका रीज़न ये है कि हम 500 टीचर्स खुद सेटल्ड हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अगर यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं तो ये इस एम से कर रहे हैं कि जो लोग बेरोज़गार हैं हमारी स्टेट में, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिन लोगों को बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियली वीक है, उन लोगों की कैसे भी करके हेल्प की जा सके, ठीक है। और मैं पर्सनली आपको कहूँ तो मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए भाई आपके लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, कोई भी दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत है, कुछ भी है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ एंड हमारे टीचर्स भी हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं। जितने भी लोग हैं हम सारे बहुत हेल्पिंग हैं एंड आप हमें टेस्ट कर सकते हैं। आप मैसेज करिए, हम अवेलेबल हैं। बाकी हमें आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल पे ताकि हम आपके लिए ज़्यादा वीडियोस ला सकें। लाइक करिए वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन की इस पेज पे जो बात की गई है वो मोटी मोटी मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो आपने 500 रुपये का फॉर्म है तो 500 रुपये आपने तैयार रखने हैं, ठीक है। दूसरा, जो इमेज है वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन भी आपके पास होना चाहिए 30 से 60 KB, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने तैयार रखनी है। एंड जो नॉर्मल बातें हैं, जैसे आपने फॉर्म फिल कर लिया तो आपने रिसिप्ट वगैरह जो है ये सक्सेसफुली इसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। एंड आप अपनी डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सबको पता है, तो आई होप आप ये जानते होंगे। आगे चलते हैं। ये पेज नंबर 4th है जो हमारी नोटिफिकेशन है उसका। तो इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो ये रिक्रूटमेंट होगी ये जम्मू कश्मीर जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल जो 2000 SRO 202 के तहत आए हैं उसके तहत होगी। 2015 में निकला था ये, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा कोई ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, पेज नंबर 5th में एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 20th जो पॉइंट है कि कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये 20th पॉइंट है हमारा, कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप जितनी मैक्सिमम पोस्ट आपको लगता है कि आप कंपीट कर सकते हैं उनके लिए अप्लाई करिएगा। आगे चलते हैं पोस्ट के बारे में, अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है हमारे पास। तो बात करते हैं पोस्ट के बारे में। पोस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन नहीं सूटेबल होगी और कुछ ऐसी हैं जिसके लिए आप सूटेबल होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके आपने किसके लिए अप्लाई करना है। अगर हम बात करते हैं पहली पोस्ट के बारे में, तो आपको जैसे MSc चाहिए, लेकिन जो नेक्स्ट पोस्ट है उसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आपको एंड 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा चाहिए आपको सिंपल, ठीक है। तो आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। 25,500 से शुरू होकर 81,100 तक इसकी सैलरी जाती है,
ओपन मेरिट में 7 पोस्टें हैं, टोटल 15 पोस्टें हैं, 2 हैं आरबीए के लिए, 2 शेड्यूल कास्ट, 2 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस एक है, एएलसीआईबी एक है एंड पीएसपी एक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, इसके लिए आपके लिए मैट्रिक में आईटीआई रेलिवेंट फील्ड, ठीक है आईटीआई चाहिए आपके मैट्रिक में, ठीक है। एंड मैट्रिक में इलेक्ट्रिक ट्रेड चाहिए आपको लिफ्ट मैकेनिक के लिए, यहाँ पे एक और एक पोस्ट है दोनों के लिए ओपन मेरिट में, एंड टोटल दो दो पोस्ट हैं इसकी। बात करते हैं आगे, तो जो फिफ्थ है हमारे पास वो है पेंटर ऑटोमोबाइल, टोटल एक पोस्ट, और रिक्रूटमेंट रूल है कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए विद आईटीआई इन रिक्विजिट ट्रेड। सिक्स्थ है हमारे पास ड्राफ्ट्समैन, एंड रिक्रूटमेंट रूल कहता है कि 2 साल का आपका ड्राफ्टमैन का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, ठीक है। सेवन्थ है हमारे पास वर्क सुपरवाइजर G4, ठीक है, दैट इज ये लेवल 2 की जॉब है, एंड इसमें भी आपको मैट्रिक एटलीस्ट चाहिए विद आईटीआई रिस्पेक्टिव ट्रेड के लिए। एट्थ है आपके पास टेक्नीशियन मेडिकल ग्रुप के लिए, जिसमें बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। नाइन्थ है आपके पास टेक्नीशियन का थिएटर ग्रुप के लिए, जिसमें बीएससी थिएटर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। टेंथ है टेक्नीशियन बर्न यूनिट के लिए, जिसमें बीएससी थिएटर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। एंड इलेवेंथ है फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, बर्न यूनिट, जिसमें बीएससी आपकी होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सी है। और आगे बढ़ने से पहले यार बहुत सारे बच्चे मुझे क्लास 4th की रिक्रूटमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो 2 मिनट में उसको सॉल्व कर देता हूँ क्या दिक्कत थी बच्चों की। क्वेश्चंस बेसिकली मेरे को ये आ रहे हैं हर जगह कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, तो बेसिकली यार आप देखना एक चीज़ नोटिस करना कि उन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, मिनिमम क्लास रखी है जो आपका होना चाहिए, वो आप 10th पास होनी चाहिए। तो इसका सिलेबस जो है ना वो कहीं ना कहीं 10th के अराउंड ही घूमेगा, ठीक है, और मैथ्स तो होगा ही होगा मेरे हिसाब से इसका, ठीक है, क्योंकि जो 10th की मैथ्स है ना वो एक कोर है, मतलब हर एक कोई भी पेपर ले लो आप, बड़े से बड़ा ले लो, बैंक ले लो आप, SSC ले लो या छोटे से छोटा ले लो, ये 10th की जो मैथ्स है ना ये इसके टॉपिक्स ही हर जगह आपको दिखेंगे, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एजिस हो गया, नंबर सीरीज हो गया, स्पीड मैथ्स की ट्रिक्स हो गई, ठीक है, ये चीज़ें तो आएंगी आएंगी, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है ये चीज़ें। हालांकि क्लास 4th की रिक्रूटमेंट के हिसाब से इसका ना लेवल कम होगा, अगर हम जेके बैंक की बात करें तो उसमें तो बहुत ही हाई लेवल का आपको पूछा जाएगा, और उस लेवल का हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, नितिन सर, विशाल सर और मैं, ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी सिलेबस शुरू करवा दिया हुआ है, ठीक है, हमने ऑलरेडी आपको सिलेबस शुरू करवा दिया हुआ है, तो अगर आप उस मैथ्स को भी फॉलो करेंगे ना तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ना आपको, उन सबको ग्रैब करिए, कोई भी मत छोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12th नंबर पे है एनीथीसिया टेक्नीशियन, ये लेवल 4 की जॉब है और रिक्रूटमेंट टूल है इसके लिए बीएससी थिएटर टेक्नोलॉजी में। 13th पे दिया है जूनियर फिजिक्स, जूनियर बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट, लेवल 4 की जॉब, बीएससी चाहिए फिजियोथेरेपी में। 14th है लेवल 14th में लेवल 4 की जो जॉब है ये है जूनियर आर्टिस्ट की, सिर्फ एक पोस्ट है इसके लिए, वो एक ओपन मेरिट की है, इसमें चाहिए आपको बीए फाइन आर्ट्स में या 10+2 विद डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। 15th नंबर पे है असिस्टेंट कैमरामैन, जिसमें आपको 10+2 होना है और डिप्लोमा होना चाहिए आपका फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी में। 16th है स्टाफ नर्स, ठीक है, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है और आपको बीएससी होना चाहिए नर्सिंग में, इसकी पोस्ट भी ज़्यादा है, 25 है टोटल पोस्ट, जिसमें से 13 है ओपन मेरिट की। 17th है हमारे पास जूनियर इंजीनियर, इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, और BE यानी कि आप BE हो गया बैचलर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका, एक ही पोस्ट है इसमें। 18th नंबर पे आपका असिस्टेंट कुक, इसमें आपको टोटल 22 पोस्ट मिल रही हैं एंड जिसमें से 10 हैं ओपन मेरिट की। इसमें रिक्रूटमेंट रूल कहता है कि आपका 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद 1.5 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए डिप्लोमा का, फूड प्रोडक्शन कहाँ से होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट या केटरिंग टेक्नोलॉजी से। 19th पे है स्टीवार्ड की, टोटल 7 पोस्ट है जिसमें से 4 ओपन मेरिट की। अब इसका रिक्रूटमेंट रूल क्या कहता है कि आपकी 10+2 की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 1.5 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो चलेगा, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज में, ठीक है, ये भी हमें कहाँ से चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में से चाहिए। आगे चलते हैं, तो 24th पे हमारा टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन जो है ये आप लगा लो टोटल 3 पोस्टें हैं यहाँ पे इसकी, जिसमें एक है ओपन मेरिट की। आपको क्या क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपकी, डिप्लोमा होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज्ड हो,
और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड के अंदर। 25th पे आता है जूनियर स्टोर क्लर्क, 7 पोस्टें हैं जिसमें से 4 ओपन मेरिट की। एंड 26th पे आता है टेक्नीशियन, जिसमें आपको चाहिए BSc मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। आगे चलते हैं, तो ये लास्ट पेज है एंड ये लास्ट रिक्रूटमेंट है 27, जो कि है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की, Level 2 की जॉब है। 10 पोस्टें हैं, 5 ओपन मेरिट की हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी तो रिक्रूटमेंट रूल क्या कहता है, 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने मेडिकल रिकॉर्ड्स पे, एंड लास्ट जो ये कहता है कि 6 मंथ का आपका कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको बताया कि है कि ओपन मेरिट OM या RBA हो गया, रेजिडेंट और बैकवर्ड एरिया शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई है। एंड ये ऑफिशियल सिग्नेचर आगे, तो ये थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करिएगा, या मैंने आपको बता दिया, आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।